ਮੈਂ ਦਾਲੀ ਨਾ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕੀ ਆਇਆ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੋਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਭੈਣ ਦੋਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦਾ ਆਪਾ ਵਾਈਸਰ ਬੜਤੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੇ ਮੇਰੇ ਖੜੀ ਅੱ비 ਰਸੋਈ ਕੰਨੇ ਬੈਠਿਆ ਐਵੀ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਹੋ ਗੋਮ ਮੈਂ ਲਗੀ ਕਿ ਥੋਨੇ ਬਾਦ ਸਾਲ ਰੇਨੂ ਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜੋ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਜੱਜ ਉਹਨੀਆਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਮੰਜਲ ਵੀ ਆਹਾ ਇਹ ਕੁਮਾਂਜਾਰੇ ਮੌਂਸਨ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਸੇ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਕਰੀ ਲਾ ਫਰ ਗਿਆ ਇਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮਰਜ਼ਾਇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਗੋਲੀ ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਉਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਆ ਉਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋ ਆਤੀ ਮੈਂ ਉਸ ਫਰ ਨਾਲ ਲਾ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੰਸੇ ਥਾਰ ਤੇ ਖਰ ਲਾ ਗਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੰਭੇ ਕਰ ਰਹਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਆਣੀਆ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆਣੀਆ ਕਿਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆਣੀਆ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇ ਅੰਕੂ ਮਰਾ ਲਾ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਤਾ ਸੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਤੇਰੇ ਚੰਗਾ ਪਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾਣਾ ਭੈਣ ਚੋਦੀ ਜੀ ਮੌਲੀ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ चले ना तो आ, मुझे जो है वो अभी हमें पूरा संरक्षण प्राप्त है और बार बार उसने जब वो अटैक कर रहे थे हमला कर रहे थे तो बार बार आर एस पठानिया जो एक्स एम एल ए रहा बीजेपी का उसका नाम ले रहे थे उसकी बीबी उसको बार बार फोन घुमा रही थी और ऐसे कर रही थी कहा संजय ग्रा की वाइफ संजय गंडोत्रा की वाइफ उसको फोन बार बार उसको फोन कर रही थी मैंने पुलिस वालों को कहा भी कि कॉल ट्रेस करो पूरी सारी कॉल ट्रेस करो उसमें बहुत सारे नाम और भी आ जाएंगे और ये कह रही थी कि हमें आर पठानिया ने ये कहा है कि अगर हर्षदेव को मार भी दोगे तो आपका बाल बांका भी सारी वीडियो है अभी तो ये हाईलाइट दिखा रहा हूँ मैं पिक्चर बाकी है पिक्चर बाकी पिक्चर बाकी नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ दर्शकों कुछ दिन से लगातार सोशल मीडिया से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हर्षदेव सिंह जी ने कोई संजय गंडोत्रा उनकी पत्नी को किस तरह से गाड़ी में बिठाया उसके बाद गन पॉइंट पर कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए उनको आमादा करने की कोशिश की इसके चलते कोर्ट से डायरेक्शन हुई कि इनके खिलाफ हर्षदेव उनकी पत्नी के खिलाफ एफ लगाई जाए पर सवाल यह है कि झूठ के कभी पैर नहीं होते और सच हमेशा सामने आ ही जाता है हर्षदेव सिंह एक ऐसी मजबूत आवाज चाहे बात हो आम जनता की चाहे बात हो बेरोजगारी की चाहे बात हो महंगाई की चाहे बात आम जनता के मूल सुविधाओं ही हो एक बुलंद आवाज बनकर हमेशा सामने आए हैं भले ही कोई साथ हो या ना हो हमेशा हर्ष देव सिंह जी ने आम जनता की आवाज को बड़ी मजबूती के साथ प्रशासन और सरकार तक समय समय पर लाने की कोशिश भी की है उसी के चलते ये वीडियो एक वायरल होता है और पूरे सोशल मीडिया पर सनसनी छा जाती है ट्रोल भी होते हैं उसी सिलसिले में आज इन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रेस वार्ता की और एक्सपोज किया कि आखिर क्या थी वो पूरी कॉन्स्पिरेसी संजय गंडोत्रा और उनकी पत्नी जो कि कोर्ट से आदेश आते हैं यहाँ के कंसर्निंग थाना को कि इनके खिलाफ एफ लग जाए पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सच छुपता नहीं हमेशा सामने आ ही जाता है जब इंसान बैठता है प्राइवेटली अपने दोस्तों के साथ तो कई बार ये भी उनको आभास नहीं होता कि शायद हम वो बोल जाते हैं जिसे आम जनता को वर्गलाने की कोशिश की जाती है किसी की रेपोटेशन खराब करने के लिए वही दूसरी तरह ऐसे शब्द बाहर आ जाते हैं जो दिल की बात है जुबान पर आ जाती है और वही कहीं ना कहीं भारी पड़ जाती है अभी एक और ऑडियो सुना आपने ये ऑडियो था संजय गंडोत्रा जी का जिन्होंने अल्जाम लगाए थे और कोर्ट से एफ लगवाने के आदेश भी लाए थे हर्षदेव सिंह जी और उनकी पत्नी के लिए एग्जैक्टली exactly क्या हुआ था ये संजय की जुबानी आपने खुद सुना उन्होंने कहा कि हमने इनको बहुत मारा और गालियाँ वो दी हैं शायद जिनके घर में खुद महिलाएं हो माँ बहने हो इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी और महिला के किसी भी पार्टी से हो किसी भी घर से तल्लुक रखती हो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता गालियां दी गई सिंह जी की पत्नी को और किस तरह से खुद ही बताया कि मैंने उनको इतना मारा गाड़ी हमने खुद घुमाई और इनको इलेक्शंस में नहीं लड़ने देना अब इशारा किसकी तरफ है हम ये नहीं जानते हरिजेव सिंह जी की जुबानी ही सुनते कि जो साहिल अंडोत्रा ने कोर्ट में कहा और जो साहिल अंडोत्रा खुद अपनी जुबानी संजय गण्डोत्रा माजरे चाहते जो गंडोत्रा ने अंडौत्रा ने जो खुद अपनी जुबान से कहा वो सत्य था या जो कोर्ट में कहा वो सत्य था चलिए इनसे जानते सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया सर क्या कहें सर सर बड़ी नजरें हैं यहाँ पर कोशिश की जा रही है वीडियो चाहे दे दे आप कहे आप आपके अग्रेसिव नेचर को लेकर या कहे कोई भी इनका बस चले ना तो आ, मुझे जो है वो अभी बैठे बैठाए गोली मार दे और ये करते भी रहे कौन सर कि... तो ये इशारा किसकी ये बीजेपी वाले जो है बीजेपी का और संजय गण्डोत्रा का क्या देखिये इन्होंने खुद कहा है कि हमें पूरा संरक्षण प्राप्त है और बार बार उसने जब वो अटैक कर रहे थे हमला कर रहे थे तो बार बार आर एस पठानिया जो एक्स एम रहा है बीजेपी का उसका नाम ले रहे थे उसकी बीबी उसको बार बार फोन घुमा रही थी और ऐसे कर रही थी कहा संजय गंडोत्रा की वाइफ उसको फोन बार बार उसको फोन कर रही थी मैंने पुलिस वालों को कहा भी कि कॉल ट्रेस करो पूरी सारी कॉल ट्रेस करो उसमें बहुत सारे नाम और भी आ जाएंगे और ये कह रही थी कि हमें आर एस पठानिया ने ये कहा है कि अगर हर्षदेव को मार भी दोगे तो आपका बाल बांका भी नहीं होगा ये उसकी पत्नी कहती है आप, आपको ये लग रहा है कि किसी न किसी की शह पर ये सारा हो किसी न किसी किसी देखो सीधा है बीजेपी क्योंकि बीजेपी ने पहले भी मेरे पास बहुत सारी वीडियो है अभी तो ये हाईलाइट दिखा रहा हूँ मैं पिक्चर बाकी है पिक्चर बाकी पिक्चर बाकी है, <laughs> है। ये ऑडियो है थोड़े से हैं है हरबा हर उन्होंने मेरे ऊपर इस्तेमाल किया मेरे <laughs> मेरे रिश्तेदारों को भी जो है वो थ्रेटन करते हैं जो धमकियां भी देते हैं प्रलोभन भी देते हैं बहुत सारे लोगों को तोड़ तोड़ने की कोशिश भी घेरे में आपको घेरे रखते हैं जी लगता है आप जिस तरह से कह रहे हैं साफ तौर पर अल्जामत भाजपा पे लगा रहे हैं कि उन्हीं से थे संजय गण्डोत्रा जी तो लगता है ज्यादा ही कुछ बराबर मेहरबानी हो रही है क्या कहें क्यों ऐसे इसे दाऊपे चलाए जा रहे हैं आपके ऊपर और कोर्ट में कुछ और कहना और संजय गंडोत्रा जी की जो हमने ऑडियो सुनाई है किस तरह से मेनुपलेट करके एक स्टोरी बनाकर सामने लाई बिल्कुल देखिये ये गंडोत्रा जब वहां कोर्ट में जाता है तो क्या बयान देता है वो कहता है कि हर्षदेव मुझे ले गया गन पॉइंट के ऊपर ले गया और फिर जो हमें इसने अपने काबू में रखा फिर हमें हम बड़ी मुश्किल से वहां इनके चंगुल से जो है हाँ बचकर निकले हैं कहा आपके द्वारा ये भी कहा गया कि आपको छोड़ेंगे नहीं हाँ 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 और हा, हमारे द्वारा कहा <laughs> गया कि हमने उनको मारा है <laughs> ये उन्होंने कोर्ट में बयान दिया है फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर प्राइवेट में अलग से बड़े वो डे मार मार के कह रहा है और पूरे पूरे <laughs> अपने जोश में कि मारा तो हमने हाँ, है अच्छा हर्षदेव अच्छा जी भी। जो ऑडियो में आपने सुनी लिया वो मेरी स्वर्गीय माता जी को गाली दे रहा है मेरी बहनों को गाली दे रहा है मेरी पत्नी को इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है जो सुनने के काबिल तो नहीं है मुझे हम माफ़ करेंगे कि ये भाषा जो उसने बोली है वो हमने ऑडियो में दी है चलाने के लिए लेकिन अगर वो बोल सकता है तो लोगों को ये देखना होगा कि ये लोग किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल हमारे घर परिवार में हमारी माता बहनों के साथ करते हैं और हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ करते हैं यह सुनना भी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था इसलिए हमने ये दिया है कोर्ट में एक बयान देता है और यहाँ आके कहता है कि हमने हर्षदेव को मारा हमने उसकी और पत्नी को और मेरे पूछना चाहेंगे एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था हम भी आपके और उस, जाना इसको मारा इसको मैंने और उसके साथ क्या था विशाल को भी मैंने बुलाया और हमने मिलकर इसको मार मार के मार मार के विशाल उसी का एक साथी अकम्पलिस है उसका और फिर जब वो उसको फोन करते हैं जब जब उसको उसको भी बुलाया गया और कहता हमने मिलकर उसको इतना मारा है, हाँ है। हाँ और आगे भी उसको मारेंगे आपने ऑडियो में यह भी सुना और फिर यह कहता है ऑडियो में कि हमारा मकसद ये है कि हर्षदेव को सियासत से बाहर करना है इसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट हमने नहीं करने देना है ये हमारी मंशा है तो अपनी मंशा भी उसने जो उस प्राइवेट मीटिंग में जाहिर कर दी जिसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपने सुन भी ली है और एक साजिश जो की जा रही है मेरे खिलाफ उसका पर्दाफाश हो जाता है अब संजय गंडोत्रा जो हैं वो कोर्ट में एक बयान दे रहा है और घर में अपने आके प्राइवेट में एक बयान दे रहा है और लोगों को सुना रहा है कि असलियत ये है और आ, मैं तो अब ये कहूंगा अब ये, कि भी ये, ये ये सुनना आपो, चाहिए आप प्रोवाइड करेंगे कोर्ट में बिल्कुल कोर्ट में पूरा ये तो हाईलाइट्स मैंने आपको बताई हैं पूरा हम पूरा जो है वो कोर्ट में पेश करेंगे इस किस्म की बहुत सारी ऑडियोज और वीडियोज और भी है मेरे पास बीजेपी के लोगों ने पहले भी ये कहा है कि हम इसको जिंदा नहीं रहने उनके जो अल्फाज हैं जो वीडियो में रिकॉर्डेड हैं कि हम इसको हर्षदेव को जिंदा नहीं रहने देंगे और ये कहा हम इनकी लाशें बिछा देंगे मेरे को मेरी बीवी को मेरे बच्चों को भी जी। इस किस्म के लव्स जो है वो खुले आम पब्लिकली उन्होंने इस्तेमाल किए हैं लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अब इन लोगों की बीजेपी की हुकूमत है तो जो भी चाहे कर सकते हैं एजेंसी प्रशासन इनके कहने के ऊपर चल चल रहा है आ, लेकिन लोग मैं समझता हूँ कि लोग इनको जरूर पहचान जाएंगे इनका असलियत चेहरा क्या है और जुडिशरी भी अब मुझे लगता है कि ये ऑडियो जब सुनेगी कि उनको क्या कहानी सुनाई है और असलियत में क्या कहानी दिल्कुण। है दिल्कुण। तो मुझे लगता है कि उनकी आंखें भी खुलनी चाहिए कि बीजेपी कर क्या रही है किस और किस तरीके से इस्तेमाल कर आपसे ये जाना चाहिए क्या देखिए बीजेपी के सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा है रश्मि जी आपने देखा होगा कि हर कोई सरेंडर कर रहा है आ, और कोई भी इनकी जो नाकामियां हैं इनके जो काले करतूतें हैं उनको बाहर उजागर नहीं कर रहा है कोई हिम्मत नहीं करता है और जो कोई दूसरी पार्टी में उनके लोगों को भी तोड़ तोड़ कर ये जो है अपने साथ ला रहे हैं उनको डरा कर धमका कर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े भी फन, भी। खन्ने खा बनते थे आज वो भी भारतीय जनता पार्टी के कदमों में लेटे हुए हैं और उन्हीं को अपना माई बाप बनाया हुआ है कि हमें बख्श दीजिए तो हम आप जैसे आप कहेंगे जो हुक्म सरकार का होगा हम उसी हुक्म को बजाएंगे लेकिन हर्ष देव जो हर्ष देव दीदी यही तो नहीं आप एक आ, कदावर नेता रह चुके पूर्व मंत्री भी रह चुके आपकी तरफ भी कहीं इशारा हो उनका इनको इस तरह से हरास करेंगे या मैंने करके स्टोरिया बनाएंगे तो आप भी कल को भाजपा का दामन था ये तो कभी होगा हर्षदेव झुक झुकझुक ये तो दविंदर राणा जी भी कहते सब कहते थे हम नहीं जाएंगे उनको कहते थे वो जाएगा लेकिन झुक नहीं सकता है ये कोई और होंगे ये तो बड़े बड़े चले गए यहाँ तो आप एक आद का नाम ले रहे हैं बड़े बड़े चले गए बहुत बड़े पत्रकारों को उन्होंने कर लिया जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आपके ऊपर भी जो है वो जो अटैक होंगे <laughs> आप देखिएगा जब ये देखने बहुत सारे अंधभक्तों को उन्होंने लगा दिया होगा और पेड एजेंट्स को आपको भी गाली देने के लिए हर्ष का इंटरव्यू कर रही है बहुत सारे पत्रकार कहते हैं जब आपका इंटरव्यू लेते हैं तो बीजेपी वाले हमको भी गाली देते हैं और पत्रकार भी बहुत कम रह गए हैं जो सच्चाई जो उजागर करना चाहते हैं या जो हकीकत को भी जनता के सामने लाने जी की, जी की जी कोशिश करते हैं ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं तो वो चीज़ है ना पत्रकार किसी भी पार्टी से फिलेटेड नहीं है हाँ ये जरूर कह जाए कि आज के दौर में पत्रकारों की आवाज को भी दबाया जाता पर अपनी जनता को साफ़ स्पष्ट शब्दों में हम ये कह देंगे कि दैनिक शिव टाइम ना ही कभी डरा है ना ही कभी डरेगा कोई भी सत्य हो हम उसको सामने लाने में जरूर अपनी पूरी कोशिश करेंगे ना ही डर ना ही दबाव में हम आएंगे चाहे कोई भी हो किसी तरह के भी आप प्रेशर डाल दीजिए किसी तरह की भी आप गाली गलोज दीजिए किसी तरह की भी आप शब्दावली का प्रयोग कीजिए यहाँ पर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एक्शन करने की वो भी हम कर कर रहेंगे क्योंकि हमारा काम है जनता का हमें हमारे पर विश्वास है उस विश्वास पर हम खरा उतरना चाहते हैं तो क्या कहेंगे हर्षदेव जी ये सारी जो इस समय मोनोपोली बनी है कि आप लोग इलेक्शन में ना आए यानी जिस तरह से बाहरी राज्य में अब शुरू हो चुके हैं इलेक्शन कहीं ना कहीं उसी का तो नहीं कि डर है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हर्षदेव जी सिंह जी एक स्ट्रांग कैंडिडेट के शक्ल में टक्कर देने आ रहे हैं और एक कैंडिडेट की शक्ल में भी आ रहे हैं और एक अपोजिशन के रूप में भी आ रहे हैं कोई आदमी नहीं बोल रहा है आज की तारीख में जैसे मैंने आपको कहा कि बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं हो रहा है तो इनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा ही नहीं तो जनता के साथ कौन खड़ा होगा जनता के ऊपर मुसीबत आन पड़ी है मुश्किलों का पहाड़ आन टूट पड़ा है, बेरोजगारी है महंगाई है, सारी है आम उजागर किया जाए जिससे उनकी छवि दोमल होती हो पर, पर जरूर इस पर रोशनी डाला चाहिए एग्जैक्टली exactly उस दिन हुआ क्या था जो की संजय गंडोत्रा जी ने इतना बड़ा जो की एक स्टोरी बनाकर सामने लाई और खुद ही फिर अपने शब्दों में फंस गए देखिए वो वो तो जो जो कुछ कर रहा है वो तो उनके कहने के ऊपर कर रहे हैं जो बीजेपी के लोग हैं उनके उस वो तो उसने खुद ही कह दिया उसने जब बैठे थे उसने कहा कि भाई अब आपके साथ के बातचीत थी संजय गंडोत्रा जी बिल्कुल थी बिल्कुल थी ये ये जब तक मैं था 2014 तक एमएलए था तो ये बड़ा अच्छा मेरे साथ था मेरी इलेक्शन हारने के बाद ये बीजेपी कैंप में चला गया और पिछले सात सालों से उन्हीं के साथ है बहुत सारे लोग हैं अब इसका क्या कसूर है बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो लोग वो लोग जो हैं वो इस किस्म की घटिया हरकत पर नहीं उतरे जितना ये लोग उतरे हैं और आ, इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहे हैं क्योंकि ये लोग इन लोगों को तो सिर्फ चाहिए कि कहीं से जिस जहाँ से इनको कुछ मिल सके फ़ायदा हो सके वहाँ जाना है तो आप पावर जहाँ है वो वहाँ उस उस लाइन में जाकर खड़े हो गए हैं आपने देखा होगा कि गंडोत्रा ने यह कहा कोर्ट में कि इसने जो है गन गन पॉइंट पे जो है वो पीएसओ को इस्तेमाल करके तो मुझे हमें ले गए और अपने आडियो कहता है कि गाड़ी मैंने खुद संभाली और पीएसओ को, को उतार दिया मैंने नीचे उतार दिया फिर मैं गाड़ी मोड़ के ले गया और अच्छा मारा इनको और इनको मैंने मारा हाँ विशाल ने और उसने अपने लिए कहता है कि मैंने हर्ष दे उसको खूब मैंने पिटाई किया है तो अब मुझे लगता है कि इसके बाद तो किसी किस्म की शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जानी चाहिए कि किस किस्म की घटिया हरकतों के ऊपर ये लोग उतर सकते हैं बीजेपी और इनके एजेंट उतर सकते हैं ये अपनी जुबानी वो कबूल कर रहा है और जो कंट्राडिक्टरी बयान दिया है तो मैं समझता हूँ कि अब कम से कम अब कोर्ट की आंखें तो इससे खुली जाएंगी और ऐसे लोग जो हैं जो एजेंट्स हैं या जो मुख्य रूप से कॉस्पिरेटर्स रहे हैं उनको जो है उनके खिलाफ अब कोर्ट जो है एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देगा तभी जनता का भरोसा जो है वो कायम हो सकता है तो आने वाले समय में किसी और के ऊपर भी इस तरह की किसी के ऊपर भी ये किया जा सकता है किसी को भी इस तरीके से फंसाया जा सकता है किसी के ऊपर भी इस तरीके से कार्रवाई जो है वो की जा सकती है तो मुझे लगता है कि कार्रवाई आपके आई ओपनर होना चाहिए कार्रवाई आपके खिलाफ थी तो पुलिस ने भी एक्शन ले लिया यानी कि के लिए कहा गया या कोर्ट कोर्ट ने कोट तो एंड फिगर पर जाती है अब हाँ। जो सच्चाइयां सामने सच्चाईया उम्मीद करते हैं कि अपने न्यायालय पर कि पूरी सही स्पष्ट जो कि फैसला होगा पर सवाल है जब आपकी तरफ से कोई कार्रवाई करने की पुलिस को भी मांग की जाती तो उसको दबाया जाता है नकारा जाता है या डिले कर दिया जाता है तो ये दोगलापन के ऊपर ये तो बीजेपी का एक तकिया कलाम है एक एक जो उन, उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो बोलता है उसको ठोक दो ठोक भी देते हैं वो जैसे मैंने आपको कहा कि ए, इनका बस चले तो ये तो ए, किसी वक्त भी जो है मार दे और मार भी सकते हैं क्योंकि ये तो खुलेआम कहते हैं कि जिंदा रहने नहीं देंगे हरदेव सिंह जी डरने वाले हैं क्या मैंने आपको कहा दबाव में आ जाएंगे क्या देखिए मैंने आपको ये कहा कि ये सात सालों से चल रहा है सिलसिला अकेला भी खड़ा रहेगा तो जो हर्ष देव पूरा मुकाबला डट कर अपनी आखिरी सांस तक इन बेईमानों के साथ करेगा क्योंकि ये जो इस किस्म के लोग हैं जनता के साथ धोखा करने वाले लोग हैं और जिनका मकसद सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है किसी ना, ना किसी तरीके से सत्ता हासिल की जाए गरीबों के साथ जुल्म हो रहे हैं अन्याय हो रहा है जाति हो रही है बेरोजगारों के, के साथ गलत हो रहा है गरीबों के साथ गलत हो रहा है मजदूरों के साथ गलत हो रहा है मजलूमों के साथ किसानों के साथ गलत हो रहा है तो हर्ष देव किस तरीके से कंप्रोमाइज कर सकता है वो खड़ा रहेगा अपने आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा इनसे ये मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं और ये जो 25 नमूने हैं ना भारतीय जनता पार्टी के जीत के गए थे इनके लिए मैं अकेला काफ़ी हूं सर इस बार तो कह रहे हैं पचास पार पर कांग्रेस वही कहती है लखनपुर पार बिल्कुल ठीक है लखनपुर पार हो जाएंगे ये ये तो सही बात है और ये आप देखेंगे आने वाले वक़्त में जो इनकी करतूतें हैं और जो जिनका इनका लगातार जैसे पर्दाफाश हो रहा है आए दिन तो जनता भी इनका असली चेहरा जो है वो पूरे तरीके से पहचान चुकी है और इनको जवाब जो है वो उचित जवाब देगी जनता आने वाले वक़्त में ये आप सब देखेंगे जी धन्यवाद दोस्तों हमने आज बातचीत की हर्षदेव सिंह जी से क्योंकि कहीं ना कहीं सत्य कभी छुपता नहीं कहते झूठ के पैर नहीं होते और जिस तरह से लगातार एक खबर सोशल मीडिया मीडिया के माध्यम से लगातार आ रही थी कि जिस तरह से हर्षदेव सिंह जी ने संजय गंडोता उनकी पत्नी को किस तरह से गाड़ी में उनके पीएसओ ने गन पॉइंट पर उनको बिठाया ले गए और उसके बाद जो कि उनसे डॉक्यूमेंट साइन करवाने की कोशिश की वहीं दूसरी तरफ संजय गंडोत्रा अपनी जुबानी खुद एडमिट करते हैं कि मारा उन्होंने मारा हमने था कोई विशाल नामक अपने दोस्त को साथ में लाकर गाड़ी हमने खुद ड्राइव की पीएसओ को उतार दिया और कोर्ट में कोई बयानबाजी दी कि गन पॉइंट पर और ऐसे जो अपने दोस्तों के साथ बैठ के अपने मन की जो बात निकाल रहे थे वो कुछ और था अब देखना यह है कि न्यायालय में जाकर किस तरह का ये जो ऑडियो है ये क्या मोड़ लेता इस केस में क्या वाकई सही आरोपियों को उनकी सजा मिलती क्योंकि आज इन पर तो कल किसी पर भी इस तरह की चीजें हो सकती है साफ तौर पर हर्षदेव सिंह जी का कहना है चाहे लाख हथकंडे अपना लें ये डटे हैं और डटे रहेंगे साम दाम दंड वेद जो भी कर कर देख ले हर्षदेव सिंह एक मजबूत विपक्षी तौर पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे अब देखना ही है कि आने वाले समय में ये केस क्या करवट लेता है कि जो, जो सच्चाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता क्या बात है सर एक चीज तो जरूर जानना चाहेंगे जिस से आप ये भी कहा जाता है एग्रेसिव नेचर आप गुस्से में रहते पर कुछ देर से देख रहे हैं हरसेव सिंह जी आप बड़े स्माइलिंग फेस से आते हैं क्या क्या कारण है बताइए <laughs> <laughs> ये भी पूछ क्योंकि या तो ये कहें कि आने वाली I am, I am enjoying it. <laughs> <laughs> मैं आपसे क्या कहूँ देख रहा हूँ पूरी बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर की और हिंदुस्तान की जो है वो एक आदमी के पीछे पड़े हर्षदेव के तो मुझे लगता है कि अब उनका फोकस जो है अब मैं लाइम लाएं लाइट में सही महीने में आ गया हूं उनको लगता है कि हर्षदेव ही एकमात्र जो है हमारे सामने ए, क्योंकि, खड़ा क्योंकि, रहने प, की हिम्मत रखता है। जी ने की थी इसी केस को लेकर हाँ, पर कहीं ना कहीं हाँ, पत्रकारों ने सवाल किया था हर्षदेव सिंह सिंह जी ये नहीं पता कि हर्षदेव सिंह जी हुम का इक्का लेकर सामने आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल आपने देख लिया है अब तो सबके सामने मीडिया के सामने जनता के सामने है और अदालत मैं भी जहाँ है वहां भी ये जो है ऑडियो ले जाएंगे और शायद आ, कुछ लोग वहां के देख भी रहे होंगे तो वो देख लें कि असलियत क्या है धन्यवाद सर दोस्तों आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए क्योंकि सत्य को सामने लाना हमारा कहीं ना कहीं ड्यूटी और कर्तव्य भी है वो लाते हैं और लाते रहेंगे अपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिए ये पूरी जो स्टोरी हमने बताई ऑडियो बताया कि एक व्यक्ति जो एफ लगवाता है कोर्ट से हर्षदेव सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ और वही व्यक्ति कोर्ट में क्या बयान होते और वही व्यक्ति जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं और क्या खुलासा करते हैं वो खुलासा कहीं ना कहीं हरदेव सिंह जी तक हुक्म का इक्का बनकर आ जाते हैं वो आपके सामने लाए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर दीजिए जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए जय हिंद जय भारत